मैं माधव नेशनल पार्क मेरे पूर्वज माधव महाराज के द्वारा प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ आबादी बाघों की पर्याप्त मात्रा में नहीं अत्यधिक होती थी, 50-60 बाघ होते थे, पर 27 साल पहले ये लुप्त हो गए। आदरणीय श्रद्धेय माधव महाराज जी की जयंती पर फिर से बाघ यहाँ पुनर्स्थापित करने का काम प्रारंभ हुआ है। आज दो बाघ आए हैं, एक मेल एक फीमेल, दूसरे चरण में तीन और लाए जाएंगे। दो चीजें आपने बताई, एक इकोसिस्टम बना रहेगा संतुलन के लिए सब जरूरी, और दूसरे रोजगार बढ़ेगा। महत्वपूर्ण दिवस है शिवपुरी के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे केंद्र सरकार के वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी को, हमारे अध्यक्ष जी को, हमारे विजय शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि जो एक बहुत पुराना सपना था, एक समय में माधव नेशनल पार्क मेरे पूर्वज माधव महाराज के द्वारा प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ आबादी बाघों की पर्याप्त मात्रा में नहीं अत्यधिक होती थी, 50-60 बाघ होते थे, पर 27 साल पहले ये लुप्त हो गए। और ये मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार के वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी की प्रेरणा से हम सब ने साथ मिलकर एक DPR बनाई, प्रोजेक्ट बनाई, और आज वो सपना साकार हुआ है मेरे पूज्य पिताजी के जयंती पर। और हम लोग इसी दिवस पर दो बाघों को हम लोग ने यहाँ छोड़ा है, आने वाले दिनों में तीन और हम छोड़ने वाले हैं, और दोबारा ये बाघ स्थापित पार्क होगा। मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और भूपेंद्र यादव जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, शिवपुरी जिले के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय श्रद्धेय माधव महाराज जी की जयंती पर फिर से बाघ यहाँ पुनर्स्थापित करने का काम प्रारंभ हुआ है। आज दो बाघ आए हैं, एक मेल एक फीमेल, दूसरे चरण में तीन और लाए जाएंगे। और बाघ जो इस क्षेत्र से विलुप्त हो गए थे वो फिर से आबाद होंगे, और बाघों का आना इस क्षेत्र के लिए गर्व और गौरव का विषय तो है ही, लेकिन पर्यावरण में संतुलन के लिए भी आवश्यक है। और उसके साथ साथ बाघों के आने से इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, इकोसिस्टम सुधरेगा, और रोजगार में कई तरह के रोजगार, जैसे वन मंत्री अभी बता रहे थे कि यहीं के बेटे बेटियों को गाड़ियां देंगे, गाइड की ट्रेनिंग देंगे, ड्राइवर भी वो रहेंगे, और जब टूरिस्ट बाद में आएंगे तो उनको दिखाने का काम भी करेंगे। जब टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलेगा, मतलब यहाँ होटल, यहाँ रिसोर्ट, यहाँ होम स्टे गाँव में बन सकते हैं, गाड़ियाँ, सामान की खरीदी बिक्री, तो अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है, पहले पन्ना में बाघ, फिर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कूनों में चीते, और अब शिवपुरी में बाघ। ये वाइल्ड लाइफ के लिए और पर्यावरण के लिए जो संकल्प है हमारा, उसको पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और अब इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिवपुरी का नाम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई दूंगा। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया जी, BD शर्मा जी, उनके क्षेत्र से एक बाघ आया है, अभी और लाने के प्रयास जारी है, और वन मंत्री जी, मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, हम केवल बाघ नहीं ला रहे हैं,
बाघ संरक्षित रहें, बचे रहें और बढ़ें, उसके लिए जरूरी है कि बाघ मित्र बनाए जाएं। और मन में ये भाव आता है ना कि इनका क्या करेंगे, उसको समाप्त किया जाए, जागरूकता भी फैलाई जाए। लेकिन बाघ प्रोजेक्ट का मतलब एक संपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसके कारण यहाँ का इंफ्रा डेवलप करने की जरूरत हुई। तो इंफ्रा का मतलब आसपास आने जाने के मार्ग, फिर यहाँ कैसे होटल, रिसोर्ट, होम स्टे, टूरिज्म की गतिविधियाँ बढ़ाने के और क्या क्या काम हो सकते हैं यहाँ बाघ के अलावा, उन सब को एक साथ लेके आएंगे ताकि रोजगार के अवसर और ढंग से बढ़े। दो चीजें आपने बताई, क्या नाम आपका? देखो, दो चीजें आपने बताई, एक इको सिस्टम बना रहेगा संतुलन के लिए सब जरूरी, और दूसरे रोजगार बढ़ेगा। अब आप देखना कि यहाँ थोड़े दिनों के बाद ही जैसे अलाउ करते हैं टूरिस्ट को, तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट आएंगे। जब टूरिस्ट आएंगे तो क्या क्या फायदा होगा, कोई बताए? क्या नाम मैडम आपका? तीसरी चीज एक बताई, रोजगार के साथ साथ शिवपुरी का नाम इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। देखो, शिवपुरी बहुत प्राचीन और महान शहर है, अपना ये क्षेत्र की कई विशेषताएं हैं। बाघों के कारण यहाँ टूरिस्ट आएंगे, और टूरिस्ट आएंगे तो कई तरह से रोजगार बढ़ेगा। टूरिस्ट आएंगे तो गाड़ियाँ चलेंगी, टूरिस्ट आएंगे तो होटल चलेंगे, टूरिस्ट आएंगे तो सामान की खरीद भी करेंगे, टूरिस्ट आएंगे तो उनको गाइड भी लगेंगे। तो अलग अलग तरह से आप देखेंगे कई लोगों को, कुछ समय के बाद सैकड़ों लोगों को, और उसके बाद हजारों को भी हो सकता है रोजगार के अवसर पैदा होंगे।